اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम सामाइन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर अफियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा और आपके मुकद्दर और तकदीर को बदल देगा। इंतहाई आसान ये वजीफा जो लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह अपनी किस्मत को बदलता हुआ और मुकद्दर को चमकता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, किस्मत के बंद तालों को, बंद दरवाजों को खुलता हुआ खुद देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र भी अदा करेंगे। याद रखें, हम जितने भी वजायफ आपके साथ शेयर करते हैं, जिस महीने की फजीलत के मुतालिक आपके साथ हम वजायफ शेयर करते हैं, कुरान और हदीस के मुतालिक होते हैं और पायदार और मुजरब वजायफ होते हैं। अगर आप इन वजायफ से इस्तफादा हासिल करना चाहते हैं, इन वजायफ से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, बारगाह इलाही में दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की रजा हासिल करना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में कामयाबियां और मर्तबे चाहते हैं, इज्जतें शोहरतें चाहते हैं, बुलंदियां चाहते हैं, उरूज चाहते हैं, तो आप इन तस्बीहात को, इन वज़ाइफ को जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह का खास फजल होगा और रब्बे करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम बरकात से, तमाम रहमतों और नेमतों से जरूर सरफिराज फरमाएगा। इंतहाई शानदार ये वजीफा, इंतहाई बाकमाल बाबरकत ये तस्बीह आपने जब जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिनों में करनी है तो इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम अल्लाह की रहमत जोश मारेगी, अल्लाह की जात जलालत में आएगी और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, बराने रहमत आप दोनों हाथों से समेटेंगे और अल्लाह करीम इतनी रौनकें, इतनी बरकतें और इतनी नेमतें आपको अता फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस तस्बीह को आप जरूर पढ़ें, इस मुकद्दस वजीफे को पढ़ें, अपनी जरूरियात को पूरा होता भी देखें, मसाइल को हल होता भी देखें और अल्लाह की अताएं खुद अपनी आंखों से देखें। आज मैं आपकी खिदमत में कुरानी अल्फाज का अमल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे अस्मा आजम भी कहा जाता है, अल्लाह के नामों का ये अमल है, कुरानी कलिमात भी कहा जाता है। जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। याद रखें, जिस बंदे का यकीन पक्का होगा रब्बे करीम उसे उसकी सोच से भी ज्यादा अता फरमाएगा। जब हम सारा मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं कि मौला तू ही हमारा वकील है, तू ही हमारी कफालत फरमा और तू ही हमारी गैबी मदद फरमा, तो अल्लाह करीम हमारी गैबी मदद फरमाने के साथ साथ हमारे मसाइल को भी हल फरमाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इन मुकद्दस कलिमात को पढ़ें, जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिनों में पढ़ें और अल्लाह की अताएं और अपने मुकद्दर को सूरज की तरह चमकता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्साई इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जजाकल्ला। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से
मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा चलते फिरते उठते बैठते काम करते खाना बनाते और मर्द हजरात अपने कारोबारी अड्डों पर बैठकर भी इस अमल को इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 100 मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फार की दुआ पढ़नी है। कोई भी आप लफ्ज पढ़ सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, अस्तग़फार पढ़ लें या अस्तग़फार की कोई छोटी सी दुआ पढ़ लें या फिर या तवाबु या अल तवाबु पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 100 मर्तबा आपने पूरे दिन में तौबा इस्तग़फार और अस्तग़फार का विर्द करना है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन का आगाज भी अस्तग़फिरुल्लाह से किया करते थे और शाम ढलने पर भी अल्लाह से तौबा किया करते थे। तो जब हम सुबह होते ही अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करेंगे या पूरे दिन में जब हमारा टाइम लगेगा हम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बड़ा राजी होगा। और अल्लाह को जवानी की तौबा बड़ी पसंद है, और जब हम तौबा इस्तग़फार का विर्द करेंगे तो नबी की सुन्नत भी पूरी होगी, और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पूरी होगी तो हमारे चेहरे रोशन होंगे, कुशादा और चमकदार होंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि 100 मर्तबा आपने रोजाना की बुनियाद बना ले, रूटीन में शामिल कर ले, अपनी जिंदगियों में शामिल कर ले तौबा इस्तग़फार या अस्तग़फार का विर्द करना। अगर आप रोजाना ना पढ़ सके तो जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिन इस अमल को इस वजीफे को जरूर पढ़े। नंबर 2 पे आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप चाहे दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, आप कोई छोटे से छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक की भी जरूर कसरत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये वादा है कि जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं वो जुमातुल मुबारक वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के हाथ हमारे दुरूद को एक तोहफे की शक्ल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करती हैं। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तोहफे को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि मेरे उम्मती ने मुझ पर दरूद पढ़ा और मेरे लिए तोहफा भेजा। तो अब सबसे गुजारिश है कि जब अल्लाह का महबूब राजी होगा तो हमारी जन्नत पक्की होगी। तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जुमेरात और जुमातुल मुबारक के मुकद्दस दिन बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़े। इसके अलावा आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर या फिर तस्बीह के दानों पर जिस तरह आपको मुनासिब लगे आपने इस अमल को इस वजीफे को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मालिकुल हक्कु या जल जलाली वल इकराम अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मालिकुल हक्कु या जल जलाली वल इकराम अल्लाहु समद। इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से इसी तरीकाकार से 100 मर्तबा बमा बिस्मिल्लाह शरीफ के आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर या तस्बीह के दानों पर या फिर काउंटर पर इस अमल को इस वजीफे को आपने 101 मर्तबा पढ़ना है। अगर आप 300 मर्तबा पढ़ सकते हैं, 500 मर्तबा पढ़ सकते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है और अपनी हिम्मत है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे अल्लाह करीम की उतनी ज्यादा रहमत आप पर बरसेगी, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए। और इस अमल को इस वजीफे को आपने जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद पढ़ना है या अजान मगरिब से पहले पहले पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अपने खाली हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है, इन मुकद्दस कलिमात का वास्ता देना है कि या अल्लाह इन मुकद्दस कलिमात को हमने तेरी रजा के लिए पढ़ा, अपनी रजा में हमें राजी फरमा, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके मौला हमारी तमाम जरूरियात को पूरा फरमा, परेशानियों को खत्म फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, और मौला हमारी मायूसियों को खत्म फरमा, हमारी गैबी मदद फरमा, हमारे बिगड़े हुए कामों को सुलझा दे। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की खास रहमत आप पर बरसेगी और आपको दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तफादा हासिल करें, आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।
करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।